Hi guys, welcome your favorite YouTube channel Facial Care on Self. Please click subscribe button and bell button for latest video. It's absolutely free. हाय फ्रेंड्स, दिस इज शीशा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैसे आप अपनी स्किन को और भी बहुत ज़्यादा फेयर कर पाएंगे, स्किन को टाइट कर पाएंगे और आपकी स्किन को और भी खूबसूरत कर पाएंगे। आपका स्किन बहुत दिन तक जवान बना रहेगा कैसे, उसका ही अमेजिंग सा एक टिप्स मैं शेयर करूंगी। ये एक अद्भुत उपाय है और उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स ये बहुत सहज उपाय है, यानी इसको आप बहुत जल्दी से घर पे ही कर पाएंगे। इसके लिए आपको बाहर से कुछ भी नहीं खरीदना है, पर फ्रेंड्स ये बहुत ही इफेक्टिव सा नुस्खा है। तो आज का वीडियो ज़रूर देखें और इस नुस्खे को ज़रूर ट्राई करें। और इस नुस्खे को ट्राई करने के बाद फ्रेंड्स कॉमेंट्स में ज़रूर लिखें आपका अनुभव। तो चलिए फ्रेंड्स जान लेते हैं इसके लिए आपको क्या करना है। पर दोस्तों वीडियो को आगे देखने से पहले, जैसे कि मैं हर रोज़ आपको याद दिलाती हूँ, आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो देखिए मेरे वीडियो के नीचे या ऊपर एक सब्सक्राइब बटन आ रहा है और एक बेल बटन आ रहा है, इन दोनों को आपको क्लिक करना है। इन दोनों को क्लिक करने से दोस्तों नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कोई नया सा वीडियो लाऊंगी उसके तुरंत बाद आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप मेरे लेटेस्ट वीडियो को फर्स्ट टाइम ही देख पाएंगे। और फ्रेंड्स मैं इसके बाद भी और भी अच्छा अच्छा ब्यूटी टिप्स, हेल्थ टिप्स, ईजी सा जो आप जल्दी से बना पाए और जल्दी से इस्तेमाल कर पाए, ऐसा टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उन सभी का फ़ायदा लेने के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल बटन को क्लिक करें। और उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स ये तो मेरा नए फ्रेंड के लिए मैं बोल रही थी, और जो लोग मुझे इससे पहले भी देख चुके हैं पर सब्सक्राइब करना भूल गए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो फिर से भूल जाएंगे और फिर से आप मेरे अच्छा अच्छा वीडियो मिस कर जाएंगे। तो फ्रेंड्स जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल बटन को क्लिक करें और ये टोटली फ्री है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम लोग आज चावल का पानी को इस्तेमाल करेंगे। चावल का पानी कैसे आपको इस्तेमाल करना है, फ्रेंड्स चावल तो हर घर में बनता है। तो फ्रेंड्स आप जब चावल बनाते हैं उसके बाद हम लोग चावल को जब छान के अलग कर लेते हैं और उसका पानी को जो फेंक देते हैं वो पानी आपको नहीं फेंकना है। चावल उबालने के बाद जो पानी हम लोग को मिलता है वो फ्रेंड्स बहुत अच्छा रहता है स्किन के लिए, ये एक अमेजिंग इफेक्ट देता है। क्योंकि फ्रेंड्स चावल का जितना भी गुण रहता है वो सारा गुण पानी में निकल जाता है। ज़्यादातर चावल बहुत ज़्यादा स्किन व्हाइटनिंग करने के लिए हेल्प करता है, आपके स्किन को टाइटन करने के लिए हेल्प करता है, आपके स्किन को ग्लोइंग स्किन दिलाता है, रिंकल फ्री बनाता है। तो बहुत सारा खूबियां है चावल में। तो और फ्रेंड्स उससे भी ज़्यादा बेनिफिट दिलाता है फ्रेंड्स चावल का पानी जो आप उबाल के फेंक देते हैं। तो फ्रेंड्स अभी से आपको उस पानी को फेंकना है नहीं है, उस पानी को आपको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद उस पानी से फ्रेंड्स आपको लेना है कम से कम 4 से 5 चम्मच चावल का पानी, और उस ठंडे पानी में आपको डालना है टमाटर का जूस। टमाटर को कद्दूकस करके आप उसका पेस्ट भी ले सकते हैं या टमाटर का अंदर जो जूस रहता है उसको भी ले सकते हैं। आपको लेना है 1 चम्मच टमाटर का जूस और इसके साथ आपको ऐड करना है मैदा। मैदा तो फ्रेंड्स हर किसी के किचन रूम में रहता ही है। इसके साथ आपको ऐड करना है 2 चम्मच मैदा। सिर्फ ये तीनों इन्ग्रीडियंट्स ही काफ़ी है फ्रेंड्स। चावल का जो पानी हम लोग लिए हैं इसमें बहुत मात्रा में मिनरल रहता है, ये एक एंटी एजिंग से भरपूर रहता है। ये आपके स्किन टोन को टाइटन करने के लिए हेल्प करेगा, स्किन को फेयर बनाएगा, ग्लोइंग स्किन बनाएगा, रिंकल फ्री स्किन दिलाएगा। उसके साथ फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे टमाटर को जोड़े हैं। टमाटर फ्रेंड्स विटामिन सी से भरपूर है, जो विटामिन सी हम लोगों के स्किन को फेयर करने के लिए, स्किन टोन को वाइटन करने के लिए हेल्प करता है। और टमाटर में रहता है लाइकोपिन जो आपके स्किन का दाग धब्बे को रिमूव करने के लिए हेल्प करेगा। और इसके साथ हम लोग जोड़े हैं इसमें मैदा। मैदा आपके स्किन में जो भी डार्ट है उसको खींच के रिमूव कर देगा, आपके फेस में जो भी डार्ट है, जो भी पॉल्यूशन है उसको रिमूव करेगा। उसके साथ ही साथ स्किन में डेड सेल आया है तो उसको भी रिमूव करेगा। तो इसके वजह से हम लोग इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अपने फेस में लगा के कम से कम 20 मिनट रखेंगे। और फ्रेंड्स इस पैक को आप जब अप्लाई करते हैं तब ध्यान पे रखें, तब आपको इस पैक को नीचे से ऊपर की तरफ खींच के अप्लाई करना है, यानी फ्रेंड्स आपा स्ट्रोक देके, क्योंकि ये एक स्किन टाइटनिंग फेस पैक है। तो फ्रेंड्स
जो भी पैक आपके स्किन को टाइट करता है, हर वक्त याद रखिए उसको आपको नीचे से ऊपर की तरफ खींच के लगाना चाहिए, नहीं तो फ्रेंड्स उल्टा आप लगाएंगे तो उल्टा इफेक्ट आएगा, यानी आपकी स्किन लूज हो जाएगा। तो याद रखिए जब भी कोई टाइटन वाला फेस पैक इस्तेमाल करते हैं तब फ्रेंड्स आपको नीचे से ऊपर की तरफ खींच के अप्लाई करना है। इससे फ्रेंड्स आपकी स्किन टाइटन होते रहेगा। कुछ देर रखने के बाद इस फेस पैक को आपके अपने फेस में कुछ देर रखने के बाद आप फील कर पाएंगे आपका स्किन खींच रहा है, टाइट हो रहा है। ऐसे भी कोई भी पैक लगाने के बाद हम लोग की स्किन थोड़ा तो खींचा खींचा लगता ही है, पर ये अलग महसूस दिलाएगा आपको। इसको लगाने के बाद आप समझ पाएंगे आपका पूरा स्किन का जो सेल है वो खींच रहा है। और इसको फ्रेंड्स आपको रबिंग करने करके धोना नहीं है। 15 से 20 मिनट बाद जब ये फुल ड्राई हो जाएगा, फुल ड्राई करने के लिए कोशिश कीजिए। जब भी कोई टाइटन पैक हम लोग लगाते हैं तब उस पैक को फुल ड्राई करना चाहिए, फुल ड्राई करने से ही बेनिफिट मिलता है। तो आपको इसको फुल ड्राई करना है, 15 से 20 मिनट में ड्राई हो जाता है तो सही है, नहीं तो और भी टाइम लगता है तो फ्रेंड्स और भी टाइम दीजिए इसको। और उसके बाद इसको रनिंग वाटर से यानी बहता पानी से आपको अपने फेस को धो लेना है, रबिंग नहीं करना है। रबिंग करने से क्या होगा, आपका स्किन जो टाइटन अप हुआ है उसके ऊपर आप रब करेंगे तो फिर से स्किन ढीला हो जाएगा। तो फ्रेंड्स स्किन को ऐसे ही रखें, स्किन को सिर्फ पानी छिड़क के धो ले फेस को। और उसके बाद आप अपने कोई भी पसंदीदा मॉइस्चराइजर आप लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपके स्किन को मॉइस्चर दिलाएगा। हम लोग जो चावल का पानी लिए हैं उसमें भरपूर मात्रा में मॉइस्चर रहता है, नेचुरल मॉइस्चर, तो आपके स्किन को ये सॉफ्ट और ग्लोइंग स्किन भी दिलाता है, रिंकल को भी रिमूव करता है। और इस पैक को लगाने के टाइम आपको आँखों के चारों तरफ और होंठ को छोड़ के लगाना है। और इस पैक को फ्रेंड्स आप हफ्ते में 4 से 5 दिन लगा सकते हैं। जिनका भी स्किन लूज हो चुका है वो लोग फ्रेंड्स हफ्ते में 5 दिन तो ज़रूर लगाए। और जिनका स्किन फ्रेंड्स अभी तक ढीला नहीं हुआ है, सिर्फ अपने स्किन को आगे से केयर लेना चाहते हैं, अपनी स्किन को टाइटन अप करना चाहते हैं, कभी भी ढीला ना हो ऐसा चाहते हैं, या आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फेयर बनाना चाहते हैं, रिंकल फ्री बनाना चाहते हैं, ग्लोइंग स्किन दिलाना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आप हफ्ते में इसको 3 से 5 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, मिनिमम 3 दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लोग फ्रेंड्स स्किन लूज होने के बाद से इसको ट्राई करेंगे और कुछ दिन बाद जब ट्राई करते करते आपका स्किन फुल टाइट हो जाएगा, उसके बाद से आप हफ्ते में 3 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस टिप्स को मैं बहुत ही पसंद करती हूँ, हर किसी के किचन रूम में ये सब अवेलेबल रहता है और बहुत ही सस्ते में बन जाता है और बहुत ही इफेक्टिव सा है। तो इसको जरूर ट्राई करना फ्रेंड्स, जो भी मेरे तरह ईजी और बहुत ही इफेक्टिव सा होम रेमेडीज चाहते हैं वो लोग आज ही से इसको ट्राई करें। और इसके बारे में जानकारी लेके आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने बहुत सारे फ्रेंड के साथ, रिलेटिव के साथ इसको जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले पाए। और एक बात है फ्रेंड्स, इसके बारे में कोई भी सवाल हो या फ्रेंड्स ये टिप्स देख के आपको अच्छा लगा हो, इसको इस्तेमाल करने के बाद आपको अच्छा लगा हो, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, मुझे बताएं, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा आपके अनुभव जान के। और एक बात है फ्रेंड्स, जाते जाते याद आ गया, मैं भी याद दिलाती हूँ आपको, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मैं फिर मिलूँगी कोई अच्छा सा ब्यूटी टिप्स या हेल्थ टिप्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।